बीते 5 जुलाई को अज्ञात अपराधियों द्वारा हरला डी ओपी निवासी 50 वर्षीय विदेशी हैम्ब्रम का धारदार हथियार से हत्या करने वाले आरोपी केदार हैम्ब्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी एसपी अमित रेणु ने न्यू स्मरणालय परिसर स्थित पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि खुखरा थाना क्षेत्र के डुमरियाटांड निवासी विदेशी हैम्ब्रम का धारदार हथियार से हत्या किया गया था, जिसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक शशि सिंह के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर अनुसंधान जारी किया गया। अनुसंधान के क्रम में पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर हत्या का मामला सामने आया। इस कांड के उद्भेदन को लेकर तत्परता दिखाते हुए छापेमारी टीम ने मुख्य आरोपी को उसी के फुफेरे साढ़ू सुबरन हंसदा के घर से गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा गहन पूछताछ के दौरान अपराधी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। अपराध कर्मी के निशानदेही पर अभियुक्त के घर के पास से पुआल के ढेर से छुपाकर रखा हुआ घटना में प्रयुक्त खून लगा हुआ कुल्हाड़ी और अभियुक्त का कपड़ा बरामद किया गया। 5/7/2022 को अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम विदेशी हैम्ब्रम, उम्र करीबन 50 वर्ष है, उसके धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना खुखरा थाना हरला डी ओपी क्षेत्र की है, जिसमें जिस संदर्भ में एक 302 धारा अंतर्गत एक कांड दर्ज किया गया, जिस कांड संख्या 10/2022 दर्ज किया गया था, और इसका अनुसंधान का भार हरला डी ओपी प्रभारी शशि सिंह को सौंपा गया था। अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि यह हत्या पारिवारिक जमीन विवाद से संबंधित थी, और जिसका अंजाम एक व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम केदार हैम्ब्रम, करीबन 41 वर्ष के द्वारा किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा घटना उसने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। उनके द्वारा जो घटना की गई है, वो एक कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया है, जिसमें उनकी हत्या की गई। जो हथियार का यूज़ किया गया घटना में, उसको बरामद किया गया है, और साथ ही साथ इस घटना में जो संलिप्तता है उसको स्वीकार किया गया है। हरला डी ओपी प्रभारी के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें घटना को 2-3 दिनों के अंदर सॉल्व किया गया। इसके लिए